राम राम मेरे प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए जो पौधा देख रहे हो आप, जेरेनियम का है। देखिए इसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग होती है, अभी स्टार्ट हुई है इसमें। और देखिए बर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए इसमें जो भर भर के फूल आएंगे बहुत सुंदर लगेंगे। ये रेड कलर के हैं, इसमें मैंने दो कलम लगाई थी, और ये पिंक कलर के आ रहे हैं, ये देखिए। तो जो भी कलर आपको जहाँ भी मिले, मैंने अभी ये दिसंबर में लगाई थी, ये देखिए ये है इसकी कलम, ये तो ये मैंने दिसंबर में लगाई थी। और देखिए कितनी ग्रोथ हो गई है इसकी, पूरा गमला भर गया इससे। और ये देखिए ये मैंने अभी फैब में लगाई थी आके, और छुट्टियों से घर से आके, तो छुट्टियां हो जाती हैं हमारे दिसंबर और जनवरी में, तो उसके बाद मैंने फैब में लगाई है। और इसकी कटिंग ये भी मैं कहीं से लेके आई थी, ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। ये भी ये देखिए इसकी ब्रांच है, अंदर ये दिख रही होगी आपको, तो ये। और एक ये लगाई थी, दो कलम मैंने लगाई थी, तो देखिए ये भी गमला भर गया है, अभी फूल नहीं आए इसमें, बस आने वाले हैं। तो हो गया स्टार्टिंग, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गया फूलों की, अभी आ जाएंगे इसमें, बस इसी हफ्ते में आने की वो है इसमें संभावना। ये देखिए बडिंग आ गई है, और इसमें बहुत सुंदर फूल आएंगे। जहाँ भी आप देखो बस एक कलम तोड़ो आप 4-5 इंच की और लगा दो, कहीं से भी ले आओ, और फ्री के आपके गमले तैयार हो जाते हैं। और सबसे खासियत इसमें कोई हम देखभाल कुछ भी नहीं करते, मैं इसमें कोई भी खाद कुछ भी नहीं देती, सिर्फ चाय की पत्ती कभी कभी धो के डाल देती हूँ, चाय बनाती हूँ उसकी पत्ती बचती है उसको धो के डाल देती हूँ, या सब्जियों का पानी, या दाल धोती हूँ उसका पानी डाल देती हूँ, बस और कुछ नहीं करती मैं इसमें। हाँ बीच बीच में कभी कभी मैं हल्दी का पानी जरूर देती हूँ, चुटकी भर हल्दी पानी में डाल देती हूँ और गमले में डाल देती हूँ, उससे कीड़े नहीं लगते इसमें। तो जब भी आपको लगे कि कीड़े लगने की संभावना है, बस आप हल्दी या नीम, मैंने पीस कर रखा हुआ है नीम का जूस सा बना कर रखा हुआ है फ्रिज में, बस उसको डाल देती हूँ 1 चम्मच, और बस बाकी मैं कुछ भी नहीं डालती। और बस जहाँ भी मुझे टहनी दिखती है अलग अलग कलर्स की तो मैं लगा देती हूँ। देखिए अभी मैंने ये लगाई थी, अभी इसको 10 दिन ही हुए हैं, छोटी सी है देखिए पर लग गई है। कभी भी लगाइए, कोई मौसम मत देखिए, कभी भी आप लगा सकते हैं इसे। ये देखिए इसे अभी हफ्ता ही हुआ है, ये देखिए इसमें आ गया पत्ता एक छोटा सा, ये देखिए ये मैंने 3 कलम लगाई हैं, ये ऐसे लगा दिया था फ्लावर, देखते लगता है नहीं इसमें पत्ते आ रहे हैं छोटे छोटे। तो आप जहाँ भी दिखे, जिसके भी घर में दिखे, बस छोटी सी टहनी, कोई मना नहीं करता, वहाँ से आप मांग लाइए छोटी सी टहनी तोड़ के लगा दीजिए, और फूलों की पूरे साल आप आनंद लीजिए इनका। कलरफुल फूल जो भी कलर आपको पसंद आता है बस ले आइए अपने गमले में लगा दीजिए, कुछ भी खास नहीं करना, बस कलम तोड़नी और इसमें लगाना, मैं कुछ भी नहीं करती, और सिंपल वही खाद पानी देती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ सिंपल। और गमला देखिए वो कैसे भर गया मेरा, अब दिसंबर की कटिंग थी, और ये तो मैंने अभी हफ्ता ही हुआ है, और इसमें अभी देखना अगले महीने इसमें फूल आ जाएंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी फूल आते हैं इसमें, ज़्यादा देर नहीं लगाते ये आने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।